राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार में व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो सुबह का सारा काम काज हो गया है, सब कुछ नीट एंड क्लीन। अब मैं जा रही हूँ कुछ हेल्दी सा नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि कल मेरा व्रत था तो फ्रूट खाने का मन नहीं हो रहा। फ्रूट कल खाए थे ना, तो इसीलिए बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, लग रहा कैसे मैं नमकीन थोड़ा सा जल्दी से खाऊं, तो वही खाते हैं। चलिए कुछ बनाते हैं स्पेशल सा, अच्छा सा, जो कि हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और पेट को भी भरे और कोई ख़राबी भी ना करे। तो ऐसा ही कुछ चलिए बनाते हैं, शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो चलिए चलते हैं। बहुत दिनों से ना मैं बेसन का चीला नहीं खाई हूँ, मैं सोच रही हूँ कि वही बनाऊँ। हालांकि मेरे पास कुछ सब्जी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, गाजर वगैरह कुछ भी नहीं है। नहीं है तो नहीं है, जो है उसी में काम चलाते हैं। वैसे भी ऐसे भी अच्छा लगता है, प्याज के साथ, टमाटर के साथ भी अच्छा लगता है। तो उससे पहले चलिए सबसे पहले तोड़ लेते हैं करी पत्ता, क्योंकि करी पत्ता का फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और थायराइड वाले लोग के लिए फ़ायदेमंद भी साबित होता है। तो इसीलिए जितना हो सकता है मैं करी पत्ता का यूज़ किया करती हूँ। तो चलिए पहले तोड़ लेते हैं। तो ये रही हमारी करी पत्ता और साथ ही देखिए मिर्ची के पौधे, जिसमें कि मिर्ची लगी हुई है लेकिन ये साफ़ नहीं है। तो आज हस्बैंड जी सब दोनों को उतार दिए हैं कि तुम आज साफ़ करना, तो पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये सब साफ़ करेंगे। एक मिर्ची भी तोड़ लेते हैं, पक गया है। और साथ ही तोड़ लेते हैं यहाँ से कड़ी पत्ता। तो बेसन का चीला बनाने के लिए अगर आपके पास गाजर, मटर, चुकंदर हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं है तो सिंपल मेरे तरीके से बनाएं। जैसे कि टमाटर और प्याज तो सभी के घरों में पाई जाती ही है, तो अगर ये भी है ना तो इससे भी हम बना सकते हैं और काफ़ी टेस्टी लगता है। तो एक ही मिर्ची ली हूँ, क्योंकि तीखा लगता है ना तो फिर पानी पीने का मन करने लगता है, और मेरी कोशिश यही रहती है कि खाते खाते मैं बिल्कुल भी पानी ना पीऊँ। तो इसीलिए मैं तीखा कम, बहुत कम हो गया है मेरे घर में खाना, मैं ही ज़्यादा तीखा खाती थी, तो इस रीज़न की वजह से चलिए एक बेनिफिट्स भी हुआ है कि हम लोग तीखा खाना कम कर दिए हैं। वैसे भी बोला जाता है कि तीखा नहीं खाना चाहिए, वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। तो 3 चम्मच बेसन ले ली हूँ, हल्दी ले ली हूँ, थोड़ा सा नमक ले ली हूँ, और फिर बस इसे अच्छे से घोल लूँगी। इसका बैटर थोड़ा सा पतला बनाए, थोड़ा सा मैं पहले ना गाढ़ा बनाती थी ना तो वो अच्छे से पकता नहीं था, लेकिन इस तरीके से बनाई पतला बनाती हूँ तो बहुत अच्छे से हो जाता है। थोड़ा सा मैं घी डाली थी, घी में थोड़ा सा राई और कड़ी पत्ता को डाल दी हूँ। उसके बाद फिर मैं जो चीला है वो डाल दी हूँ, बेसन को जो घोल कर रखी थी फिर उसे मैं डाल दी हूँ। कड़ी पत्ता का स्वाद मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब इस तरीके से बनाने से ना थोड़ा सा जो ढोकला वाला होता है ना फ्लेवर वो आने लगता है। हालाँकि उसमें चीनी पड़ती है, मैं तो चीनी नहीं डाली हूँ, लेकिन अच्छा आता है। अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप डालें, ना पसंद हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिनको थायराइड है उन्हें कड़ी पत्ता खाना चाहिए, हम उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करता है। तो चलिए चीला बनकर हो गया है तैयार, बन गया है मेरा चीला, चले ये आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए, और ये बहुत टेस्टी लगता है सच में। इसका थोड़ा सा बैटर अगर पतला करके बनाए ना तो और अच्छा लगता है। कड़ी पत्ता और सरसों का जो छौका मारती हूँ ना उसके बाद तो मत पूछिए, कभी ट्राई कीजिएगा। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप लोगों के लिए हेल्दी नाश्ता खाना हमेशा लाने की कोशिश मैं करती हूँ, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं अपने सुबह के नाश्ते में, शाम के खाने में भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपका मन करे जल्दी से बनाइए और खाइए, और कमेंट कर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए खा लेते हैं पहले इसे, ये छोटा सा है बिल्कुल, इसे मैं लूँगी। अब तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन पहले प्रॉब्लम होती थी च्यू करने में, तो मैं सैलेड के साथ ही हर एक चीज़ को खाया करती थी, लेकिन अब थोड़ी आदत पड़ गई है। और ऐसे भी मैं प्याज टमाटर थोड़ा सा मोटा मोटा इसीलिए काटी थी कि इसे अच्छे से च्यू कर सकूं। आप लोग अगर बिना इसके खा सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं खा सकते तो सैलेड ज़रूर लेना, जो भी आपके घर में है, प्याज टमाटर खीरा गाजर जो भी रहे ज़रूर लेना चाहिए। अभी मन नहीं था और थोड़ा लेट भी हो गया था ना, इसीलिए मैं कट नहीं की। तो चलिए इसे खा लेते हैं, और मैं खा के दिखाती हूँ इसे, देखिए 32 बार, छोटा सा है ना।
50 बार में मेरे अंदर गया ये, तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी क्यों नहीं कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप करते करते आपकी भी आदत हो जाएगी। और पतला होना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, जीवन भर के लिए पतला होना है तो ऐसा तो करना पड़ेगा डियर। तो चलिए खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड, जब भी आप खाना खाने बैठे ना, तो कोशिश करें कि आधे घंटे का टाइम तो दे ही दे, इससे बहुत सारी बेनिफिट्स होती है। तो खा ली थी, उसके बाद फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। दोपहर का चावल दाल बन चुका था, यहाँ पर बन रही है अंडा का सब्जी, और साथ ही यहाँ पर अंडे की भुजिया बन रही है, क्योंकि मेरा बेटा नहीं खाता है, हस्बैंड जी अंडा खाते ही नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पर बन रहा है पोस्तू बड़ा। और सुबह में मैं चना बनाई थी तो वो भी था, और जो अंडा का सब्जी बनाई हूँ, आलू जो उसमें डाली हूँ वो मैं हस्बैंड जी को ले लूँगी। साथ ही है सैलेड, तो मेरी सासू माँ और मेरा बेटा वो लोग दोनों खा लिए हैं। आज सासू माँ आई थी पेंशन उठाने, तो वो लोग खा लिए हैं। उसके बाद फिर हस्बैंड जी को खाना दे देते हैं, उसके बाद फिर मैं बेटी को उठाऊँगी, क्योंकि स्कूल से आकर वो सो जाती है। तो देखिए, ड्रेस भी नहीं खुली है, थक जाती है, इतना सुबह में स्कूल जाना रहता है ना कि ये लोग थक जाते हैं, तो आके सो गई थी। तो पहले मैं उसको खिला लूँगी, उसके बाद फिर मैं भी खाऊँगी। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी डियर, बिल्कुल भी अफवाह बातों पर मत जाएं कि आपको ये खाना होगा, ये करना होगा, मतलब डाइटिंग करना होगा तभी आपका वेट लॉस होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो आपके घर में बनता है आप वही खाएं, उसी से अपना वेट। फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है 5:30 बज रहा ना, 5 बज रहा होगा। मैं आई थी किचन में ग्रीन टी बनाने के लिए, फिर मैं बोली चलो थोड़ा सा पहले कर लेते हैं एक्सरसाइज, उसके बाद ही ग्रीन टी पियेंगे, क्योंकि फिर मैं बैठ जाती हूँ आराम से ग्रीन टी पीने के लिए ना, तो फिर मेरा मन नहीं होता है कुछ करने के लिए। और आज मैं कुछ आप लोग के बेनिफिट्स की ही बताऊंगी एक्सरसाइज, क्योंकि वो मैं कर रही थी कुछ दिनों से, तो रिज़ल्ट आ रहा है, तो मैं सोची चलो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो टाइम 5:15 हो गया है, काफ़ी देर हो गया, आज पता नहीं कब वीडियो जाएगा। अभी थोड़ा सा मैं पहले एक्सरसाइज कर लेती हूँ, फिर बनाऊँगी ग्रीन टी। तो एक मिनट। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को ना, आप लोग बाजू के लिए, पीठ के लिए जो एक्सरसाइज बताती थी, इस तरीके से ऐसे ऐसे राउंड घुमाना है, उल्टा भी 15 बार सीधा और 15 बार उल्टा, एक स्टेप यहाँ पर, दो स्टेप, और यहाँ जाके तीसरा स्टेप ख़त्म होता था, मतलब 15 यहाँ, 15 यहाँ, 15 यहाँ, ऐसे 30 30 30 90। तो उससे तो ये सब जो होता है पीठ का चर्बी मतलब चला जाता है, हाथ का भी चर्बी चला जाता है। तो देखिए, जब वेट लॉस हमारा हो जाता है ना, तो देखिए हमारा हाथ किस तरीके का हो जाता है, देखिए, है ना, देखिए फैट सारा चला गया है मेरा, तो मेरा हाथ एकदम लटक सा गया है। तो मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि क्या करूं, इस टाइप का हो गया है। तो मैं फेसबुक में देखी थी एक्सरसाइज कि अगर आपके पास वेट है तब तो ठीक है, नहीं है तो आप कम वेट से करें। तो ये है 1 लीटर से ज़्यादा का ही है, मेरे पास वेट तो नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं इसी से करूँ। तो करना क्या है, बहुत ही सिंपल, और मैं पहले कर रही थी, कुछ दिन तक की हूँ, मुझे असर दिखा, उसके बाद ही मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ। करना क्या है, इसे ना अपने हाथों को पीछे की तरफ कर लेना है, और फिर इसको ऊपर नीचे अच्छे से बैठ जाना है, बैठ कर फिर इसको 50 से 100 बार ऐसे करके करना है। इससे क्या होगा, हमारा जो ब्रेस्ट है ना, वेट लॉस में ना डियर, ब्रेस्ट भी हमारा बहुत लटक सा जाता है, तो इस तरीके से करेंगे ना तो देखिएगा यहाँ और यहाँ ना थोड़ा सा खिंचावपन महसूस होता है। तो जो खिंचावपन महसूस होता है ना, उसी से समझिए कि ये सब हमारी चर्बी भी ठीक हो जाती है। तो बस इसी तरीके से करना है। तो मैं 2-3 दिन की थी तो मुझे अच्छा लगा था और असर लग रहा था, तो मैं बोली चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, क्योंकि आर्म्स को भी लेकर बहुत बार आते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ अभी, मतलब 20 से 25 बार ही करती हूँ, उसी में हाथ बहुत पेन होने लगता है। तो बस ऐसे ही स्टार्ट करना है, थोड़ा थोड़ा से ही स्टार्ट करना है, आप लोग भी कोशिश करें। मैं हमेशा 10 10 करती हूँ, उसके बाद फिर 10 मिनट बाद फिर 10 करती हूँ, इसी तरीके से करते रहेंगे ना तो फिर आदत हो जाएगी। तो चलिए पहले कर लेते हैं थोड़ा सा ये कर लेते हैं, फिर आधे घंटे का मैं वॉक कर लूँगी, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ ग्रीन टी पीते समय।
मम्मी हमको भी आइसक्रीम, हमको भी हमको भी हमको नहीं मिला आइसक्रीम, तो क्या हुआ? हाँ हम भी खाएंगे भैया, लेकिन मम्मी उनको आइसक्रीम नहीं दे रही, पापा खाए थे फिर भी पापा को दे रही मम्मी, हटिएगा किनको किनको खाना है आइसक्रीम? हमें भी खाना है, चलो झूठा हो जा घर का, हमें नहीं खाना, झूठा नहीं खींच, हाँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नेक्स्ट एक चम्मच, तुम एक चम्मच से ज़्यादा ले लीजिए वो। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी, और ये लोग सारे लोग खा रहे हैं आइसक्रीम, मैं भी खाऊंगी, पहले मैं ग्रीन टी पी लूँ उसके बाद फिर एक घंटे बाद खाऊंगी। बहुत ये लोग मुझे दिखा दिखा कर खा रहे हैं, और हम लोग ना बहुत मेरे ख्याल से एक साल से भी अभव हो गया है जब हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, पिछली बार गर्मियों में खाया था ना बेटा आइसक्रीम। तो फ्रेंड मुझे ना आइसक्रीम को लेकर भी बहुत बार कमेंट आते हैं कि दीदी क्या आप आइसक्रीम केक ये सब नहीं खाती हैं, तो मुझे ना सबसे पहली बात है कि मुझे इस सब चीज़ उतनी पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं बहुत कम खाया करती थी। हाँ मुझे थोड़ी सी पानी पूरी की क्रेविंग थी, तो वो मैं एक महीने के लिए बिल्कुल भी नहीं खाई थी, और ये सब चीज़ का तो क्रेविंग होता भी नहीं है। और दूसरी बात, जब हम 32 बार से अपना वेट लॉस कर रहे हैं ना, तो ये सब सप्ताह में 15 दिन में खा सकते हैं, थोड़ी थोड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फ्रेंड ग्रीन टी बनकर तैयार हो गया है, चलिए पीते हैं। और ये भी कमेंट आते हैं फैट को लेकर कि वेट लॉस तो हो जाता है, उसके बाद फिर स्किन पे भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं, झुर्रियाँ आने लगती है, डल सा स्किन हो जाता है। तो डियर थैंक गॉड कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप देख सकते हैं, देखिए मेरे फेस में कितना मोटापा था, बहुत ही ज़्यादा था, और अभी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसका क्या रीज़न है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, हो सकता है मैं बहुत ही कम कॉस्मेटिक्स का यूज़ करती हूँ, मतलब ना के बराबर ही करती हूँ, और फेसियल वगैरह आज तक मैंने कभी भी नहीं कराया है अपने लाइफ में, फेसियल ब्लीच ये सब मैं कभी नहीं करवाई हूँ, हो सकता है यही रीज़न हो। और एक चीज़ और बता दूँ, मैं अपने घर का जो मेरे घर का जो ऑर्गेनिक है एलोवेरा, मैं उसका यूज़ किया करती हूँ, कुछ दिनों से ही कर रही हूँ, पहले तो वो भी नहीं किया करती थी, कुछ दिनों से मैं उसका यूज़ कर रही हूँ, और साथ ही मैं रात में गुलाब जल लगा कर सोती हूँ, तो हो सकता है शायद वही रीज़न है, वरना फिर आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं लगता है, होता है ना बहुत सारा झुर्रियाँ पड़ जाती है या फिर स्किन डल हो जाता है, तो माता रानी की दया से अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हाथ का ही जो है मसल्स थोड़े से उस टाइप के हो गए हैं, वरना और कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों को भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करें, उससे बहुत बेनिफिट्स होती है, और कॉस्मेटिक्स का कम यूज़ करें, क्योंकि वो हमारे चेहरे को डल ही करती है। अभी हाल में ही मैंने भी क्रीम यूज़ किया था, मेरा स्किन बहुत डल होने लगा था अचानक से, तो एक सप्ताह के अंदर ही मुझे मालूम चल गया, और आप लोगों में से ही किसी फ्रेंड ने मुझे मना किया कि उसे मत यूज़ कीजिए, जिस दिन मैं छोड़ी उसके दूसरे तीसरे दिन से ही फिर से मेरा स्किन जैसा था वो ऐसा ही हो गया है। तो चलिए फ्रेंड पी लेते हैं ग्रीन टी, और हो सके तो अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, 32 बार के 5 गोल्डन रूल है जिसे आप यूज़ करके अपना काफ़ी सारा वेट लॉस कर सकते हैं, मैंने किया है, मेरे साथ हज़ारों लोगों ने भी किया है, तो हम लोग सभी पर विश्वास करें, और ये बहुत ही हेल्दी सा रूल है, घर में रहकर घर का खाना खाते पीते हुए अगर हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं हमेशा के लिए जीवन भर के लिए, तो उससे बेटर और क्या हो सकता है। और हो सकता है कि स्किन को लेकर मैं ये भी लगता है मुझे कि मैंने डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं की थी, शायद इसके वजह से ही मेरा स्किन पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, तो क्योंकि अगर मैं डाइटिंग करती तो शायद स्किन भी मेरा उस टाइप का हो जाता, तो मैं डाइटिंग तो की नहीं थी, बस गोल्डन रूल को अपनाई और जो मेरे घर में बनता था मैं वो खाई, और बस हेल्दी वाला खाना, हेल्दी सा रहना, थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी वॉक, खुश रहना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खुश रहना, अगर हम खुश रहेंगे ना तो सारी बीमारियों का हल 50% तो ऐसे ही चला जाता है। तो आप लोग भी यही करें, गोल्डन रूल को अपनाएं और बस अपना वज़न घटाएं। तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, चलिए कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।